सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं पल्लवी कदम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन सत्र में। उम्मीद है आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आज का हमारा जो विषय हमने रखा है, कुछ बोर हो रहे हैं लॉकडाउन के वजह से और अपना टाइम सही तरीके से इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने ये ऑनलाइन सत्र आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो कि विषय अपना ऐसा है कि इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। और इस सत्र के मुख्य वक्ता है एडवोकेट डॉक्टर उदय प्रकाश वारुणजेकर। तो स्वागत है आपका सर। मैं सत्य कुमार सिंह जी से विनती करना चाहूंगी, ऑनरी सेक्रेटरी जनरल नैब इंडिया से, कि वो पार्टिसिपेंट्स और डॉक्टर उदय वारुणजेकर का स्वागत करें। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, यस यस, हाँ सर आ रही है। डॉक्टर उदय प्रकाश वारुणजेकर एडवोकेट, हमारे नैब इंडिया के एम्प्लॉइज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमारे ऑनरेरी सेक्रेटरी डॉक्टर डेंगला जी और पार्टिसिपेंट, आरपीडी एक्ट के इम्पोर्टेंट प्रोविजन पर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। एडवोकेट वारुणजेकर को सुनेंगे, उनको सभी लोग जानते हैं, किसी परिचय विशेष के मोहताज नहीं है वो कि उनके बारे में बताया जाए। जितने लाइन पे जुड़े हैं 50 से ऊपर लोग, सभी हमारे वकील एडवोकेट वारुणजेकर को जानते हैं। इम्पोर्टेंट प्रोविजन, एक बात तो ये है कि जब आरपीडी एक्ट बना था तब कोरोना की कोई कल्पना नहीं थी किसी, इसलिए उसका तो कोई प्रोविजन इसमें होगा नहीं, है नहीं। लेकिन अभी हम सबको जानना बहुत जरूरी है आरपीडी एक्ट के बारे में, खास विशेषकर इन पर आज की उभरती हुई परिस्थितियों में, आज के उभरते हुए परिदृश्य में हम सबको ये जानना जरूरी है कि ये कोरोना की जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, ये स्पेशली ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसे सड़क पर चलना पड़ता है, किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है, किसी से रोड पर पार कराने की मदद करनी पड़ती है। तो इस तरह की बातों का भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, हमें इसके लिए ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आगे चल आने वाले समय में हम अपने आप को समाज में किस तरह समन्वित कर पाए, कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे से। मैं वारुणजेकर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आप हर समय केवल आरपीडी एक्ट पर नहीं, हमारे साथ तो नैब इंडिया के साथ उनका हर विषय पर हर वक्त सहयोग रहता है, हर समय वो हम लोगों को मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। आज आपका हम स्वागत करते हैं। आप उन पार्टिसिपेंट का, जो सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और आवाज हमारी सभी लोग सुन रहे हैं, हम आप सबका भी स्वागत करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम में जो कुछ बोला जाए, जो वारुणजेकर जी मार्गदर्शन देंगे, उसे आप पूरी गहराई से समझने की कोशिश करिए और जानने की कोशिश करिए, क्योंकि इस आरपीडी एक्ट में जो प्रोविजन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वो उन सबको इम्प्लीमेंट कराना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोविजन तो हो गया पर इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत पीछे है, उस पर भी हम सबको बात करनी पड़ेगी। आगे करते रहेंगे, नैब इंडिया करती रहेगी, जहां जरूरत पड़ेगी एडवोकेट की वहां वारुणजेकर जी हमारी मदद करेंगे। हम आप सबका फिर एक बार स्वागत करते हुए ये कहेंगे कि आरपीडी एक्ट के प्रोविजन के साथ साथ आप सब स्वयं में भी बहुत गंभीर रहिए, बच के रहिए, स्वस्थ रहिए और सोशल डिस्टेंस के साथ बना करके रहिए, ताकि आपका घर परिवार और आप सब लोग सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध रहें। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वारुणजेकर का विशेष रूप से। आप सब, आप इस व्यस्ततम समय में से हम लोगों के लिए समय निकालते हैं, इसके लिए नैब इंडिया और हम सब लोग बहुत आपके आभारी हैं। मैं अपने सारे एम्प्लॉयज को, सारे ऑफिस बेरर को, सबको, सबका स्वागत करते हुए मैं फिर एक बार भविष्य में इस कोरोना की वैश्विक महामारी में सब लोग स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध रहें, इसकी कामना करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद सिंह साहब। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। आपकी जानकारी के लिए, अपने पार्टिसिपेंट्स 84 हुए हैं और वारुणजेकर सर आपके लिए भी, मिस्टर आनंद अटलेकर अपने ऑनरी सेक्रेटरी है वो भी जुड़ गए हैं, और टेक्नोलॉजी देखो सबको एंगेज करती है, और सुहास कर्निक भी शायद ट्राई कर रहे हैं, जुड़ जाएंगे, वो भी हमारे ऑनरी सेक्रेटरी है।
जैसे सर ने सिंह साहब ने कहा कि डॉक्टर उदय एडवोकेट डॉक्टर उदय प्रकाश वारुण जीकर जी का परिचय देना या उनके बारे में कहना उचित नहीं है क्योंकि उनको सभी जानते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी उनके बारे में थोड़ा और से कि डॉक्टर उदय प्रकाश वारुण जीकर आज 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए एडवोकेट इन बॉम्बे हाई कोर्ट, और इन्होंने बहुत सारे केसेस मेनली उनके अन्य केसेस के अलावा सोशल इश्यूज और डिसेबिलिटी इश्यूज खास करके ब्लाइंड के लिए यानी उनके राइट्स के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है जिससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं, वो राइटर के बारे में हो या एक्सेसिबिलिटी इश्यूज के ऊपर हो या किसी भी इश्यू पर उन्होंने काम किया हुआ है। और इतना ही नहीं, अभी भी वो मतलब ऑनलाइन तो ऑफलाइन तो बिजी होते ही है, अभी ऑनलाइन भी बिजी है वो, तो हमने मुश्किल से उनका आज समय लिया हुआ है, आज और कल और परसों यानी 3 दिन हम ये सत्र चलाएंगे क्योंकि आरपीडी एक्ट आप सभी को पता है डिसेबिलिटी एक्ट इतना छोटा नहीं है, हम बहुत बड़े आदमी लोग हैं तो हमारे लिए 3 दिन भी कम पड़ेंगे। तो मैं एडवोकेट डॉक्टर उदय प्रकाश वारुण जीकर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये अपना सत्र शुरू करें। नमस्कार। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी लिसनर्स से कि अपना माइक्रोफोन म्यूट कंडीशन में रखें ताकि सर बोलते समय डिस्टरबेंस ना हो, आप अच्छी तरह से अपना वक्ता सुन सके। थैंक यू। नमस्कार। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के सभी पदाधिकारी तथा जिनके लिए ये स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, ऐसे सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं वकालत करता हूं ये तो बताया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं विधि शाखा का विद्यार्थी हूं, कानून का अभ्यास करता हूं। इसकी वजह से जो कानून के किताबों में जो लिखा हुआ है वो क्यों है, उसके पीछे क्या भाव है, उसका उद्दिष्ट क्या है, और ये सब करने के लिए उद्दिष्ट जो भी है वो हासिल करने के लिए प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये मैं देखता हूं। चाहे वो पुराना एक्ट हो पीडब्ल्यूडी वाला या अपना आरपीडी एक्ट हो फिलहाल जो अभी है वो, या उससे पहले वाले भी कानून हो, कानून देखने की एक अलग सी एक चश्मा हो जाता है, कानून समझने का एक अलग सा तरीका होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति उस पार बैठे हुए हैं, इन सबको मैं पहले शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि कोरोना के ऐसे हालात में हम यहाँ पर मिले हैं। कुछ दिन पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम ऐसे ऑनलाइन मिलेंगे। एक वायरस आ गया, उस वायरस की वजह से पूरी जो भी विश्व था, विश्व में जो भी महासत्ताएं थी उनको भी बहुत बड़ा फटका बैठा है, उध्वस्त हो चुके हैं, मगर हमारे यहाँ अभी हालात अच्छे बन रहे हैं और भी अच्छे बनेंगे। मगर एक ध्यान रखने वाली बात है, आज ये जो वायरस जो है इस पर कुछ भी कहीं भी आज कुछ दवाई नहीं है, इसको जो डोज कहते हैं वो नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है, और जहां तक जो मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो प्रश्न है वो कहते हैं कि लगभग 1 साल और जाएगा कि इस कोरोना नाम के जो कोविड 2019 जो वायरस है इस पर जो लस आएगी या इस पर जो भी ड्रॉप आएंगे या इस पर जो भी इंजेक्शन आएगा इसके लिए लगभग 1 साल जाएगा। इसका मतलब हमारे सभी जो श्रोता है उनको ध्यान में रखना चाहिए, कुछ दिनों के बाद ये लॉकडाउन खत्म होगा, मगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद वायरस चला गया ऐसा नहीं है। और जो नैब के जो अध्यक्ष सत्य कुमार सिंह साहब जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि कोरोना के लिए जो भी आज जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग पैकेजेस, अलग अलग जो भी सुझाव जो सामने आ रहे हैं, डायरेक्टरीज आ रहे हैं, डायरेक्शंस आ रहे हैं, एडवाइजरी जो आ रही है, इनमें
ये जो कानून है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इन कानून के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए कुछ नहीं है। अच्छा। बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो हमारे सभी भाई और बहन है, इनके लिए अभी तक कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन अभी तक नहीं आई है। इसकी वजह से ध्यान में रखना चाहिए कि इसके साथ लॉकडाउन खत्म होने के साथ हालात नॉर्मल आ गए ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस नॉर्मल बनेगी। तब तक हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, चाहे और कई दफा ऑनलाइन मिलना पड़ेगा। मुझे ये अच्छा लगा कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड इंडिया ने 3 दिन का ये कानून के बारे में सेशन रखे हुए हैं, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि ये जो बड़ा कानून है ये कवर करने के लिए समय पूरा नहीं मिलता। कई इश्यूज ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में आपके मन में सवाल आ सकते हैं, जो सवाल उसके जवाब ढूंढने के लिए समय नहीं मिलता। इसलिए मैं आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड इंडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कानून की जो भी व्याप्ति है, कानून का जो विस्तार है, वो देखने के बाद इस लेक्चर को 3 सत्र में डिवाइड करने के लिए कहा। जो पहला जो सत्र है उसमें प्रास्ताविक मैं करूंगा, उसके साथ जो चैप्टर 1 है वो डेफिनेशन का आएगा, चैप्टर 2 राइट्स एंड एंटाइटलमेंट नाम का जो नया चैप्टर है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और अगर समय बचा तो एजुकेशन के बारे में भी आज हम इस लेक्चर के बीच में कुछ नया समझने का प्रयास करेंगे। जिनके पास कुछ लिखने के लिए या जो भी मैं कह रहा हूँ उसके नोट्स लेने के लिए अगर कुछ मटेरियल है तो आप नोट्स ले सकते हैं, अगर नहीं है तो मुझे खातरी है, मुझे भरोसा है कि जो नैब इंडिया को जो टेक्निकल असिस्टेंस देने वाले जो भी है वो इस जो भी लेक्चर है इसको आपके पास यूट्यूब के द्वारा भी या अन्य मार्गों के द्वारा भी आपके पास भेज सकेंगे। इसका बाद में टॉकिंग लाइब्रेरी जो भी है उसके द्वारा इसको कन्वर्ट करके भी आपके पास कैसेट आ सकेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। सबसे पहला सवाल आता है कि ये नया कानून क्यों बनाया गया, कानून का नाम भी बदल गया, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 ऐसा एक बड़ा कानून आ गया। इससे पहले वाला जो कानून था तो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का था, जिसका कट ऑफ डेट या स्टार्टिंग डेट जो थी वो 1 जनवरी 1996 थी। मगर 1996 का जो भी डेट है उससे पहले भी कुछ कानून थे। अगर हम कानून के किताबों में देखेंगे तो इंडियन पिनल कोड होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो सकता है, मेंटल हेल्थ एक्ट हो सकता है, ऐसे कुछ चुने गुने कानून थे कि जिनमें कुछ ना कुछ तो प्रावधान था, मगर ये प्रावधान कुछ अच्छे तरीके से बनाया नहीं गया था। साथ में हमारे लोगों को जो भी अधिकारों की हम बात करते हैं उस अधिकारों के बारे में इसमें कुछ प्रावधान नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से परेशानी ऐसी होती थी कि भाई जीवन जगने का जीने का जो अधिकार है वो अधिकार जो कानून के तहत दिया गया है, राज्य घटना में बताया गया है, उसको हम कैसे हमारे खुद के लिए इस्तेमाल करें। और इसके बाद सवाल आता था कि भाई हम लोग यहाँ पर सिटीजन है मगर हमारे जो अधिकार है उसके बारे में कुछ कानूनी प्रावधान नहीं होने के वजह से अलग अलग जो गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन लिए करते थे उसके तहत कुछ ना कुछ तो अधिकार मिलता था। 1995 का एक्ट क्यों आ गया, तो 1992 में एक एशिया पैसिफिक जो रीजन है, हमारे सभी श्रोताओं को तो पता है भारत एशिया खंड में आता है, एशियन कॉन्टिनेंट कहते हैं, वैसा पैसिफिक महासागर में भी पैसिफिक जो कि कंट्रीज है उनका जो भी कॉन्टिनेंट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, फिजी आता है, न्यूजीलैंड आता है, ये जो भी है इन सबको पकड़ के एशिया पैसिफिक रीजन कहते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन की 1992 में एक बहुत बड़ी मुलाकात हो रही थी, सभी राज्यों के व्यक्ति आए थे,
सभी देशों के व्यक्ति आए थे और उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें कहते हैं कि एक गाइडलाइन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन आ गया जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में आ गया, तो इंडिया भी उसमें शामिल था। इंडिया शामिल होने की वजह से वो जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन था उस पर इंडिया ने दस्तखत कर दिया। हमारी राज्य घटना कहती है कि अब अगर आप किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को या कन्वेंशन को अगर आप दस्तखत करते हैं, रेटिफाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं, स्वीकारते हैं, तो आपको एक नया कानून बनाना पड़ेगा। तो नया कानून बन गया, वो आ गया पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। पर उसमें शायद आपको याद होगा तो सिर्फ 7 कैटेगरीज अलग अलग थी। अभी नया कानून है, नया कानून होने की वजह से कैटेगरी ज्यादा हो चुकी है, 21 कैटेगरीज आ चुकी है। जहां तक आम लोगों का सवाल है तो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ज्यादा आज हम चर्चा करते हैं, तो शिक्षा में हो सकता है, साथ में एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है। इन दोनों में भी जो आरक्षण है वो पहले हुआ करता था 3%, जो अभी बढ़ चुका है। इसके अलावा नए कुछ कंसेप्ट इस नए कानून के द्वारा नए इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो इसके वजह से नया कानून जो आ रहा था वो क्यों आ रहा था ये हमारे हम सबको समझना चाहिए। जैसे 1992 की एशिया पैसिफिक रीजन की जो कॉन्फ्रेंस की मैंने बात की, वैसे ही 13 दिसंबर 2006 को यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में एक कन्वेंशन अडॉप्ट हो गया, जिस कन्वेंशन का नाम था कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ध्यान में रखिए 13 दिसंबर 2006। ये 13 दिसंबर 2006 का ये जो कन्वेंशन था, सीआरपीडी कहते हैं, यूएन कन्वेंशन ऑफ यूएन सीआरपीडी जिसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, इसको भारत ने स्वाक्षरी किया था, रेटिफिकेशन किया था, वो किया था 1 अक्टूबर 2007। 1 अक्टूबर 2007 में अगर भारत सरकार ने ये एक्सेप्ट किया है तो इसके बाद सवाल आता है कि कानून क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैंने तो थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि राज्य घटना क्या कहती है। राज्य घटना कहती है कि भाई किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन ने, कन्वेंशन को भारत सरकार ने अगर एक्सेप्ट किया है तो झट से हमको भी उसी पर कानून बनाना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहता, राज्य घटना कहती है। और इस राज्य घटना में ऐसा प्रावधान होने के बावजूद भी कई साल नया कानून नहीं आ रहा था। जहां तक हमारे लोगों की याददाश्त है वो हम सबको याद होगा कि नया कानून का जो बिल है वो पिछली लोकसभा में भी टेबल किया गया था और उसके बाद पारित जल्दी से जल्दी किया जाए, इसलिए कई लोग दिल्ली में भी जाकर पार्लियामेंट के सामने बैठे थे कि जल्दी से जल्दी इसको पारित कीजिए, मगर चुनाव डिक्लेयर हो गए और लोकसभा जो भी थी वो डिसॉल्व हो गई, तो इसकी वजह से वो जो बिल था वो बिल हो गया कैंसल। तो अभी नया चुनाव होने के बाद जो प्रेजेंट जो लोकसभा है जिसकी टर्म 5 साल की है, उसमें ये नया कानून रखा गया, जैसे कहते हैं हम बिल, जो बिल रखा गया वो बिल 28 दिसंबर 2016 को 28th of December 2016 इसको पास होने के बाद प्रेसिडेंट साहब ने इसको असेंट दे दिया, तो डेट बन गई 28 दिसंबर 2016। तो थोड़ी देर पहले हमने याद किया था कि 1 जनवरी 1996 उसके बाद नए कुछ अधिकार मिले थे। और आज के नए कानून के बारे में बात करेंगे तो 28 दिसंबर 2016, ये दो डेट हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी डिसेबल्ड व्यक्ति अगर हम आता है तो हम पहले उसके बारे में सोचते हैं कि भाई आपका जो भी सवाल है वो 28 दिसंबर 2016 के बाद का सवाल है या पहले वाला है। तो अगर पहले वाला है तो पुराना वाला जो कानून है वो लगेगा, अगर नया वाला आपका कुछ पहलू है, नई कुछ सवाल है, नवी कुछ समस्या है तो उसे नया वाला कानून लगेगा। अभी आपके वैसे किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है भाई पुराने कानून का क्या अभी लीगल पोजीशन क्या है, तो पुराने कानून के लिए इस नए कानून में कहा गया है, सेक्शन 102 कहता है
जो 1995 का जो एक्ट है वो अभी रिपील हो चुका है। रिपील का मतलब हो गया कि वो अभी खारिज हो चुका है, वो अभी खत्म हो चुका है। ये हो गई पुराने कानून के बारे में। तो अभी सवाल ऐसा आ गया कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा जो अधिकार है वो पुराने कानून के तहत था तो क्या करें? तो कानून कहता है, नया कानून कहता है कि पुराने कानून के तहत जो भी आपका अधिकार था वो रह गई, और ये नया कानून है, नए कानून के तहत जो भी है वो ज्यादा भी एक भी आपको जो चाहे वो मिल सकता है। तो ये होगी प्रस्तावना कि जो ये कानून क्यों बनाया गया था। और इसमें जो भी कानून के चैप्टर एक में हम आते हैं तो चैप्टर एक कहता है कि ये कानून में अलग अलग नई व्याख्याएं बनाई गई है, नए डेफिनेशंस है। ये जो नए डेफिनेशंस है इसमें कई चीजें ऐसी कि जो चीजें पुराने कानून में नहीं थी, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद हम डिटेल में देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी कुछ नए अधिकारों की बात ये नया कानून कहता है। नए कानून का चैप्टर दो जो है 2016 के कानून का, उसका हेडिंग जो है वो राइट्स एंड एंटाइटलमेंट, हमारे अधिकार और हमें क्या मिलेगा, इसके बारे में चैप्टर टू है। तो इसके बारे में जरा थोड़ा पहले विस्तृत से जानकारी देता हूं। इसका सेक्शन तीन कहता है कि समानता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार हम सब लोगों को मिलेगा। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का, या किसी को आगे लेके जाइए किसी को पीछे छोड़ के जाइए, ये जो भी होती है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। जो भी भेदभाव होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है ये नहीं होगा, और इक्वालिटी समानता का अधिकार सबको ये नए कानून के तहत मिला है। आप कहेंगे सर पुराने कानून में भी इसी प्रकार का कुछ था। बिल्कुल सही है, इसमें जो भी अभी वर्डिंग है इसमें जरा ज्यादा अच्छा वर्डिंग बनाया गया है। कानून कहता है कि आपको जीने का अधिकार है, जीवन जीने के साथ में डिग्निटी फुल लाइफ, सम्मानजनक आयुष्य, सम्मान जो भी मिलता है आत्मसम्मान, ऐसे लाइफ जीने का आपको अधिकार है। कानून कहता है इंटीग्रिटी इक्वली विद द अदर्स, बाकी लोगों के साथ जीने का अधिकार मिलता है। पहले क्या था, हमारा इंडिविजुअल अधिकार था, अभी बाकी लोगों के साथ भी जीने का अधिकार हमको मिल जाता है ये जो नया कानून बनाया इसके तहत। इसी दिन अभी ये जो कानून है ये अभी उपलब्ध हो चुका है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो भी नया प्रावधान है ये हम कभी ना कभी डिटेल में जाकर देखना चाहिए, किसी को कह के हमको पढ़वाना चाहिए, ताकि हम इसके जो भी अलग अलग पहलू है वो हम कवर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहता है कि जो आपका जो अधिकार है इसमें आपके डिसेबिलिटी के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तब जो हमारे यहाँ नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के जो भी यहाँ पर मेंबर है, पदाधिकारी है, तो आप दृष्टिबाधित है इसलिए आपको कहाँ से छोड़ा नहीं जाएगा, किसी स्कीम का आपको वहां से आपको छोड़ दिया, वहां से आपको निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। दैट इज नोन एज नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये आ गया महत्वपूर्ण अधिकार। सेक्शन चार की तरफ चलते हैं, जो चार कहता है कि महिलाएं तथा जो बच्चे हैं इनके बारे में एक नया प्रावधान है। पहले कानून में ऐसा नहीं था, उसकी वजह से ये जो नया कानून जो बनाया गया है इसमें महिला तथा बच्चे इनके लिए एक नया प्रावधान बनाया गया है। सवाल ऐसा आता है कि ये जो नई व्यवस्था जो की गई है नए कानून के तहत इसमें क्या करना चाहिए, कौन करेगा? तो कानून कहता है कौन करने वाला है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा। जो थोड़ी देर पहले हमने जो सेक्शन टू जो साइड में रखा था उसमें इसकी व्याख्या आपको मिलेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आपको वापस ले चलता हूं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, कैंटोनमेंट बोर्ड हो सकता है, जिला परिषद बन सकती है, महानगर पालिका बन सकती है, नगर पालिका बन सकती है, विलेज पंचायत बन सकता है। ये हो गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग, जो सेक्शन दो में आपको मिलेगा। तो बच्चे और साथ में जो भी महिला है इनके लिए नया प्रावधान बनाया गया है सेक्शन चार में,
और उनको बच्चों को और महिलाओं के बारे में इक्वालिटी का जो अधिकार है वो भी समानता का अधिकार अलग सा लिखा गया है। सेक्शन 5 कहता है कि कम्युनिटी का लाइफ है। आप कहेंगे सर ये कम्युनिटी लाइफ क्या आ गया, ये कुछ नई बात है। कम्युनिटी लाइफ ये पहले पुराने कानून में नहीं था। कम्युनिटी इसका मतलब समाज, समाज में रहने का एक अधिकार जो भी है वो अधिकार पहले ऐसे कानून में नहीं था। समाज में रहने का अधिकार मीन्स क्या होता है, जो अंग्रेजी वर्ड है वो बताता हूं, राइट टू लिव इन द कम्युनिटी मीन्स सब लोगों के साथ रहना चाहिए। अगर सब लोगों के साथ रहना है तो कम्युनिटी में कुछ बातें हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो प्रावधान करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले नैब इंडिया के जो अध्यक्ष सत्य कुमार सिंह साहब बता रहे थे कि आपको चलने के लिए किसी का हाथ पकड़ना पड़ने वाला है, आपको टॉकिंग सॉफ्टवेयर लेना पड़ने वाला है, आपको जहां पर आप जाएंगे वहां पर आपको किसी ना किसी की हेल्प लग सकती है या टेक्नोलॉजी की आपको हेल्प लग सकती है। अगर बात यह ऐसी है तो ये कम्युनिटी लाइफ जो भी है, जो समाज में समाज के साथ रहने का अधिकार है, तो इसके बारे में कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसमें तो कुछ बनाया नहीं है। तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा था, क्योंकि आज के दिन में कोरोना के बारे में कुछ नया एडवाइजरी डिसेबल्ड लोगों के बारे में नहीं है, फिर भी उनका डिसेबल्ड लोगों का जो भी अधिकार है वो कम्युनिटी में रहने का अधिकार है। तो इसके वजह से क्या कहता है कि जो कम्युनिटी में जो रहने वाले हैं इनको सपोर्ट सर्विस मिलना चाहिए, इनके कम्युनिटी सर्विस मिलना चाहिए, पर्सनल असिस्टेंस अगर चाहे तो वो भी मिलना चाहिए। और कानून कहता है कि आपकी उम्र क्या है ये देखकर फिर आपको देना है क्या नहीं देना है ऐसा नहीं तय होगा। बच्चा भी मांग सकता है, जो भी युवा है वो भी इसमें से अपने अधिकार मांग सकते हैं, या इनकी जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है वो भी मांग सकते हैं, महिला मांग सकती है, बच्चा और पुरुष भी मांग सकता है। ये उनके सबके अधिकार है, ये उनके अधिकार इस कानून के कलम 5 में आ गए, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी लाइफ। मैं छोटा सा सवाल आपको पूछूंगा, छोटा सवाल ऐसा है कि आज भी कई गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स है वहां पर हमें कम्युनिटी लाइफ जीने का अधिकार नहीं मिलता। जैसे मैं उच्च न्यायालय में वकीली करता हूं तो वहां पर अगर किसी व्यक्ति को आना पड़े तो वहां की लिफ्ट जो भी है वो टॉकिंग लिफ्ट नहीं है। ऐसे कई प्रॉब्लम्स है कि जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हर बिल्डिंग में आपको दिखाई देंगे। पूरे भारत में अगर हम देखेंगे तो कई गवर्नमेंट ऑफिसेस में आज भी डिसेबल्ड फ्रेंडली ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है। कम्युनिटी की अगर हम बात करें, समाज में अगर कोई व्यक्ति मार्केट के लिए बाहर निकलती है कोरोना के समय में, कुछ समझो 2 घंटे की छूट दी गई है और 2 घंटे में हमें जाकर फल और सब्जियां लेके आना है, तो कम्युनिटी लाइफ हमें कुछ विशेष सुविधा उपलब्ध करके देता है या नहीं देता है? तो नहीं देता है, ऐसा उसका सवाल का जवाब आ जाता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि कम्युनिटी लाइफ का जो अधिकार है बहुत बड़ा विस्तृत है, मगर आज तक किसी भी अधिकारियों ने किसी भी संगठनों ने ये ज्यादा डिटेल में रेज नहीं किया गया है। इसके बारे में और कुछ बातें हम कर सकते हैं, मगर कैसे इसको और कार्यान्वित करें, किसको और कैसे आगे लेके जाए, ये सोचने वाली बात है। कलम 6 की तरफ चलते हैं। कलम 6 कहता है, कानून का जो सेक्शन 6 है वो कहता है कि जो क्रुएल ट्रीटमेंट और इनह्यूमन ट्रीटमेंट है इससे आपको संरक्षण मिलेगा। हमें पता है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो वो दिव्यांग है इसकी वजह से उसे टॉर्चर किया जाता है। कई दिव्यांग व्यक्ति है कि जिनको क्रुएल ट्रीटमेंट दुष्टता की तरफ से उनको उनके साथ बर्ताव होता है, उनको इनह्यूमन ट्रीटमेंट दी जाती है, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट दी जाती है। ऐसे कई मामले आहिस्ता आहिस्ता आप सभी के पास आते हैं, हमारे सबके पास, वकीलों के पास भी आते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा टॉर्चर कहता है, बार बार किसी को एक ही उसकी जो भी डिसेबिलिटी है उसकी वजह से वो टोकता है, उसको बार बार वो पछता, बार बार उसके बारे में सवाल वही करता है, तो इसकी वजह से उसे हम कहते हैं कि ये हो गया टॉर्चर, ये हो गई क्रूएल ट्रीटमेंट, ये हो गई इनह्यूमन ट्रीटमेंट,
हमें पता है कि कई मल्टी डिसेबल्ड लोगों को बांध के रखते हैं, ये हो गई इनह्यूमन ट्रीटमेंट, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, अरे इनको क्या समझता है, ये दिव्यांग व्यक्ति है, इनको जो भी लेवल है मैनर से वो समझ में नहीं आते तो इनको मत बुलाइए, ऐसे भी कहने वाले लोग होते हैं, इसे भी हम डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट कह सकते हैं। इन सब से हमें संरक्षण मिलता है कलम 6 से। सवाल ऐसा आता है कि ये भाई प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव करने का जो भी अलग अलग रास्ते होते हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता हम भी जान लेंगे, शायद अगले सेशन में भी इसी बारे में ज्यादा डिटेल में जाएंगे कि ये प्रूव कैसा करना है। तो ये आ गया सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है कि क्रुएल्टी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, टॉर्चर, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, इसके बारे में एक संरक्षण है, प्रोटेक्शन मिल चुका है। सेक्शन 7 की तरफ आते हैं, कलम 7 कहता है कानून का कि जो भी अब्यूज होगा, आपके साथ जो भी झगड़ा करेगा, आपके साथ जो वायलेंस करेगा, आपके साथ हिंसा करेगा, या आपका एक्सप्लॉइटेशन करेगा, आपका जो शोषण करेगा, इन सब को बारे में भी आपको प्रोटेक्शन दिया गया है। ये प्रोटेक्शन जो भी है ये इस कानून में कहता है कि, ये कानून कहता है कि ये सब आपको मिलता है, मगर वाकई आपको मिलता है या नहीं मिलता है ये सोचने वाली बात है। और अगर आपके पास अगर केस है तो उसके बारे में हमें एक्शन लेने के लिए क्या करना चाहिए, ये अभी सोचने का वक्त है, क्योंकि आज कोरोना की वजह से हम सब अपने अपने घरों में बंधे हुए हैं, हमारे पास समय ज्यादा है, तो सोच सकते हैं कि अगले समय में क्या करें, आने वाले समय में इस कानून को पूरा इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी कई व्यक्ति ऐसे आके मिलते हैं कि सर मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरे साथ झगड़ा करते हैं, मेरे साथ मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरे साथ हिंसा करते हैं, मुझे एक्सप्लॉइट करते हैं, जितना मैं काम करता हूं उतना मुझे जो भी सैलरी है वो नहीं मिलती, मुझसे ज्यादा काम करके कम पैसा देते हैं, ये जो भी सभी एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, शोषण वगैरह, इन सब के बारे में कानून आपका प्रोटेक्शन करता है। अगर ऐसी व्यक्ति आपके पास आ गई तो उसके बारे में क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, इसके बारे में हम फुर्सत से बात करेंगे। मगर ये सेक्शन 7 जो भी है ये अब्यूज, वायलेंस और एक्सप्लॉइटेशन के बारे में आ गया। इसमें कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट साहब है इनके पास भी जा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो भी होते हैं वो जैसे कलेक्टर साहब जो होते हैं उनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो भी होते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जैसे होते हैं उनके पास जाके फिर आप वहां उनका अर्जी दे सकते हैं, वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट भी दाखिल कर सकते हैं और फिर पुलिस उसके बारे में अब्यूज हो या वायलेंस हो या एक्सप्लॉइटेशन हो इसके बारे में एक्शन ले सकती है। मगर सवाल पैदा ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपने एरिया के कौन है और वो कहाँ रहते हैं, उनका कार्यालय कहाँ है, यह हमें पता नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव जो मैजिस्ट्रेट है इनके सभी के जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स हमारे पास होने चाहिए। चाहे तो हम कानून के जो भी काम करने वाले जो पुलिस लोग हैं उनका नंबर तो अपने पास रह सकता है क्योंकि लोकल पुलिस स्टेशन हमें पता है, मगर लोकल जो भी पुलिस है उनको भी ये 2016 वाला कानून याद नहीं होगा या उनको मालूम नहीं होगा, क्योंकि जिस वक्त वो पुलिस नौकरी में शामिल हुए थे या जब उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी थी शायद ये कानून उस वक्त नहीं था। और अगर उनका सिलेबस अगर हम पुलिस वाले जो भी अपने भाई बहन है उनका अगर सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनके सिलेबस में भी ये कानून नहीं था। ये कानून डॉक्टर लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये कानून जो वकील बनते हैं उनके सिलेबस में नहीं है, ये कानून जो सोशल वर्कर बनते हैं उनके शायद सिलेबस में हो सकता है। तो इसकी वजह से पुलिस हो, डॉक्टर हो, जजेस हो, वकील हो, उनको भी शायद ये कानून पता नहीं होगा। तो इसलिए शायद आगे नैब इंडिया को ये भी शायद काम करना पड़ेगा कि ये कानून है जो बाकी लोगों को भी हमें बताना पड़ेगा, इसके बारे में सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा, इनके बारे में जो भी पुलिस है उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जो भी जजेस है उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ये कानून कहता है कि एक नया स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, कानून कहता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर बनने वाला है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, कानून कहता है कि स्पेशल जज साहब हो गए हमारे यहाँ जो भी अलग अलग जो भी केसेस होगी
इस कानून के तहत, तो अगर ऐसे जज साहब है तो उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो इसकी वजह से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये नए कानून के तहत कुछ चुने गुने ही केस, लगभग एक या दो ही केस अभी तक दर्ज हुए थे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि नया कानून आ चुका है और अभी 4 साल होने लगे हैं, 3 साल हो चुके हैं और ये कानून के तहत क्या नए अधिकार है। महाराष्ट्र में एक जज साहब स्पेशल जज उनको नोटिफाई कर चुका है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मगर ये जो स्पेशल कोर्ट है इनके सामने जो कोई नया केस दर्ज ही नहीं हुआ। अगर वो जज साहब उनको नोटिफाई किया गया है मगर केस अगर इस कानून के तहत नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे? जो जो हमारे अधिकार है इसके बारे में नैब इंडिया भी कुछ ना कुछ तो आगे कुछ करेगी, ऐसी मुझे अपेक्षा है, क्योंकि कई लोगों को ये कानूनी अधिकार जो भी है वो मालूम नहीं है या उनके पास कोई व्यवस्था नहीं कि जिसके द्वारा ये अधिकारों का इम्प्लीमेंटेशन करें। चलो वापस चलते हैं कानून की तरफ। सेक्शन 8 कहता है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। कई हमारे जो दिव्यांग व्यक्ति है इनके बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो भी है, इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कुछ अलग सा प्रावधान नहीं है। हमारे सभी श्रोताओं को पता होगा कि अभी ये कोरोना की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो भी है ये अभी हमारे सामने आ चुका है। ये 2005 वाला कानून है और 2005 वाला जो कानून है इसमें जो भी प्रावधान है उसको जो ध्यान में रखते हुए ये कलम 8 जो भी सेक्शन 8 जो बताया मैंने, इसमें लिखा गया है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है केंद्रीय लेवल की, साथ में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य सरकार वाली, ये दोनों को हमारे जो पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति है, पर्सन विद डिसेबिलिटी व्यक्ति है, इनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी काम करना पड़ेगा। आज कई लोग ऐसे आपको दिखाई देंगे कि जो लोग जिनके बारे में आज भी कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य या केंद्र सरकार वाली हो वो कुछ भी नई डायरेक्शन, नए सर्कुलर नहीं इश्यू कर रहे, क्योंकि उन लोगों को भी पता नहीं है। तो नैब इंडिया जो भी है वो शायद इसके बारे में आगे कुछ कर सकता है, ऐसी मुझे अपेक्षा है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो उस कानून के तहत डिस्ट्रीब्यूट कानून के तहत एस्टेब्लिश हो चुकी है। और ये होने के बावजूद जो भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं इनके सेफ्टी के लिए, इनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा और संरक्षण दोनों चीज है, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, इसके लिए कुछ नया प्रावधान नहीं बनाया गया है। ये ध्यान में रखते हुए शायद हर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को नैब इंडिया की तरफ से या लोकल नैप वाले जो भी यूनिट्स है वहां से हम लेटर भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना पड़ेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड हो जाते हैं। डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो कमेटी बनती है उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और उनको शायद हमारी जो भी कठिनाई है वो शायद पता नहीं है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना वाली बात है कि जो नैब इंडिया के जो अलग अलग स्टेट यूनिट्स है वो स्टेट यूनिट के द्वारा या नैब इंडिया के द्वारा भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की है वहां पर कुछ काम कर सकते हैं। ये बातें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो भी एडवाइजरीज आ रही है, जो भी गाइडलाइंस आ रही है, ये इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का रेफरेंस आता है मगर दिव्यांगों के बारे में इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, इसमें कुछ प्रावधान नहीं है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसमें कुछ हमारे लिए कुछ इंक्लूसिव प्रोग्राम नहीं है, इसकी वजह से ये हमें करना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। कलम 9 की तरफ आते हैं। सेक्शन 9 कहता है होम एंड फैमिली। देखिए हर व्यक्ति का जो समाज में जीने का अधिकार, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले कहा था, वो उसके बाद आता है उसका कुटुंब में रहने का अधिकार। हमारे यहाँ कई जो व्यक्ति है दिव्यांग व्यक्ति उनकी शादी होना मुश्किल हो जाता है, हमें पता है, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति होने की वजह से कई लोगों की शादियां नहीं हुई है या शादी लेट हुई है या शादी के बारे में उनकी खुद की समस्या है।
मगर कानून में पहला वाला कानून था उसमें तो कुछ प्रावधान नहीं था, मगर फैमिली की जो कंसेप्ट है उसमें जो नया कानून है इसमें कहता है कि जो भी फैमिली लाइफ है उसके बारे में भी इस कानून में प्रावधान बना गया है। पर इस्लामाबाद ऐसा नहीं है कि सर मुझे लड़की नहीं मिल रही है, मुझे शादी करनी है, क्या मैं गवर्नमेंट के पास जा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मुझे लड़की ढूंढ लेके दीजिए ताकि मैं शादी कर सकूं? बिल्कुल नहीं। या कोई लड़की ऐसे नहीं कह सकती सर मुझे शादी करनी है, मुझे लड़का कुछ नहीं मिल रहा है, मैं दिव्यांग व्यक्ति हूं और मुझे कानून कहता है कि मुझे फैमिली का अधिकार है तो इसकी वजह से आप मुझे लड़का ढूंढ के दीजिए, ये सरकार के पास जाकर हम ऐसा नहीं मांग सकते। ये कुछ नया कंसेप्ट है। नया कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी के पास अगर दिव्यांग व्यक्ति अगर बच्चा है तो उसको वहां से उस फैमिली से नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ कई ऐसी केसेस आते हैं जो कहते हैं कि दिव्यांग बच्चा पैदा होने के बाद वो लड़की हो या लड़का हो उसको वहां से फैमिली से छोड़ देते हैं, अबंडनमेंट हो जाता है, उसको किसी अनाथ आश्रम में देते हैं। तो ऐसा अगर कोई कर रहा है तो इसके कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून में कहते हैं। साथ में कानून कहता है कि जो ये जो भी लड़का या लड़की होगी जो दिव्यांग है उसके बारे में उसको घर में रहने का भी अधिकार है। और अगर उसके पास घर नहीं है तो क्या करे? अगर उसके पास घर नहीं है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या एनजीओ के द्वारा जो शेल्टर होम चलाए जाते हैं उस शेल्टर होम में रहने का भी उनको अधिकार इस कानून के तहत है। तो इसका आ गया मतलब जो हम शादी के बारे में सोच रहे थे वैसा नहीं है, मगर ये फैमिली का अधिकार है, साथ में जीने का जो कम्युनिटी वाला था उसके साथ हमारे घर वालों के साथ रहने का अधिकार है, घर में रहने का अधिकार है। और इसके साथ ही आता है अगर ऐसे कोई व्यक्ति है कि जिसके माता पिता नहीं है तो शेल्टर होम में भी रहने का अधिकार है। शेल्टर होम की व्याख्या कलम 2 सेक्शन 2 में दे चुके हैं। शेल्टर होम गवर्नमेंट भी रन कर सकता है और इसके अलावा एनजीओ भी रन कर सकते हैं। तो ये आगे दो अलग अलग अधिकार जिसके द्वारे में हम कह सकते हैं कि हमें इस कानून के तहत कुछ नया अधिकार मिल चुका है। कलम 10 की तरफ चलते हैं जो कहता है रिप्रोडक्टिव राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अलग सी बात आ गई जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते थे। हमारी सभ्यता हमें इसके बारे में बात करने के अनुमति नहीं देता है। आज भी रिप्रोडक्टिव राइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके बारे में हम बातें नहीं करते। हमारा जो सभ्यता के जो संकेत है उसमें इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, ऐसा हमारा कल्चर है। मगर हमारे कई दिव्यांग व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनके जिनके लिए फैमिली प्लानिंग का भी एक अधिकार जो है वो इम्पोर्टेंट अधिकार बनता है। साथ में रिप्रोडक्टिव जो भी उनका अधिकार है वो भी अधिकार है। कई दफा हमने देखा होगा कि बातें आती है कि कोई मेंटली डिसेबल्ड लड़की है और उसका जो भी गर्भाशय है वो निकाल देने की शस्त्रक्रिया कर ऑपरेशन करने के बाद उसे फिर फैमिली में रहने के लिए भेज देते हैं। ये जो भी है ये क्यों आता है? क्योंकि कई जगह पर ऐसे होता है कि ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति के बारे में बिना पूछे बिना कुछ कहे से उसकी सम्मति लेने बगैर ऐसे ऑपरेशन होते हैं। मगर कई दिव्यांग व्यक्ति ऐसे भी है कि जिनको फैमिली प्लानिंग करने का अधिकार जो भी है वो कानून के तहत हम देना चाहते हैं, वो आ गया कलम 10 सेक्शन 10 में। पहले क्या हुआ करता था, ऐसे कुछ प्रावधान तो था ही नहीं पहले वाले कानून में। अगर पहले वाले कानून में नहीं था तो क्या परिस्थिति थी? परिस्थिति ऐसी थी कि जिसकी वजह से एक्चुअल जो भी ऐसा फैमिली प्लानिंग करने का जो अधिकार था वो दिव्यांग व्यक्ति को था ही नहीं, उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। किसी ने एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी फैमिली प्लानिंग वाले के जो भी अलग अलग मेथड्स है उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। क्या करना चाहिए इनका भी कुछ अधिकार हो सकता है, इसके बारे में सोचा नहीं था। तो मुझे लगता है ये एक नया प्रावधान बन चुका है कि जो प्रावधान हमारे सब दिव्यांग व्यक्तियों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लैबोरेटरीज है जो लैबोरेटरीज दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर हमारे जो नए कुछ
मेडिसिन आ रहे उसकी टेस्ट करते हैं। तो कानून कहता है कि इसमें रिप्रोडक्टिव राइट्स के साथ साथ ऐसे भी कहते हैं कि कोई मेडिकल प्रोसीजर बिना सम्मति के, बिना कंसेंट के, बिना परमिशन के डिसेबल्ड व्यक्ति के ऊपर नहीं की जाएगी। तो इसकी वजह से यह और एक संरक्षण हो गया। ये हो गया नया प्रोविजन, कि जिस नए प्रोविजन के बारे में अभी शायद कई लोगों को जानकारी नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिप्रोडक्टिव राइट भी कैसे है, क्या है, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये आ गया। इसके बाद आ गया कलम 11, सेक्शन 11 आता है जो एक्सेसिबिलिटी इन द वोटिंग। फिलहाल तो कोरोना की वजह से पूरे देश में कई जो इलेक्शंस है वो इलेक्शंस पोस्टपोन हो चुके हैं, उनको अगली तारीख दे चुके हैं। मगर जो भी अभी कई राज्य ऐसे कि जहां पर वोटिंग हो चुका है, तो आपको याद होगा अभी लोकसभा इलेक्शन जो लगभग एक साल पहले जो हुआ था, उस लोकसभा इलेक्शन में भी हमारे जो भी भाई बहन उस तरफ है उनके लिए कुछ नया प्रावधान बनाया गया था, नई प्रोविजन की गई थी, नई अरेंजमेंट की गई थी। जैसे दिव्यांग व्यक्ति है तो उनको भी वोटिंग के लिए आसान हो ऐसा बूथ तैयार किया गया था, उनको ले जाने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। तो यह आ गया एक्सेसिबिलिटी इन वोटिंग। इसमें दो व्यक्ति आ गए, जो भी सेंट्रल लॉकअप सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो आ गए और स्टेट इलेक्शन कमीशन आ गए। इसके साथ वो कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन की जो इंतजाम है वो करना चाहिए, मगर आज भी कई जगह पर ऐसी हालत है कि जो पोलिंग स्टेशन है वो किसी स्कूल के या पाठशाला के कैंपस में रखते हैं और पाठशाला के कई वर्ग हे ऊपरी मंजिल पर होते हैं, पहले माले पर है, दूसरे माले पर है, तीसरे माले पर है। तो अगर ऐसे हालात है तो दिव्यांग व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा कैसे? सो एक्सेस टू द पोलिंग स्टेशन ये भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर नया जो भी कोई पोलिंग स्टेशन हम जो भी बनने जा रहा है तो वहां पर हम बोलेंगे कि जो मेरा बूथ है जहां पर मुझे मेरा मत डालना है, मेरा वोट देना है, वो पोलिंग स्टेशन ये ऐसी जगह पे होना चाहिए कि जहां पर मुझे एक्सेस मिले। तो शायद नैब इंडिया के द्वारा सेक्शन 11 में भी हम कुछ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि जिसके द्वारा हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं कि हमारे दिव्यांग व्यक्तियों को समझने के लिए ब्रेल में भी आप वहां पर अपना जो ईवीएम मशीन है वो रखिए। फिलहाल तो सभी इलेक्शन ईवीएम मशीन के द्वारा होता है, तो ईवीएम मशीन में ब्रेल जो भी भाषा है ब्रेल भाषा के इंतजाम उसमें होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी दिव्यांग व्यक्ति आते हैं उसमें से कई दृष्टिबाधित है कि जिनके लिए ब्रेल में भी इंतजाम आप करना चाहिए। इसके बारे में चाहे तो हम एक प्रस्ताव दे सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को। ये कानून कहता है कि इसके साथ जो इलेक्टोरल प्रोसेस का जो भी मटेरियल है वो सब हमारे लोगों को मिलना चाहिए। इसका मतलब ऐसा हो गया कि किसी व्यक्ति को जो भी वोटिंग में जो उसका नाम है वो एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाना है। समझो आपने घर चेंज कर दिया, दूसरा घर निकाल मकान लिया है, तो दूसरे एरिया में अगर आप रहते हैं तो आपका नाम चेंज करना है, तो वो जो फॉर्म जो फिलअप करना पड़ता है, जो फॉर्म देना पड़ता है, उस फॉर्म को भी आप एक्सेसिबल रखो। वो दिव्यांग व्यक्तियों को ध्यान में रखने के बाद बनाना चाहिए। जो अन्य जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है, उनके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते कि जिनको अभी जरूरत है या नहीं है, मगर सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है वो होती है हमारे सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को, क्योंकि उनके बारे में ये जो वोटिंग वाला जो अधिकार है उसमें जरा ज्यादा कुछ इंतजाम करने का करना पड़ेगा। तो अभी से अगर हमारा नैप का हर स्टेट यूनिट या डिस्ट्रिक्ट यूनिट अगर वहां पर अगर प्रयास करेंगे या एप्लीकेशन देके रखेंगे तो उसका बेनिफिट हमारे सभी व्यक्तियों को बाद में मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप ये जो भी पूरी जो व्यवस्था है इसके बारे में, इलेक्शन के बारे में आप जानकारी कर लीजिए और अभी से रिप्रेजेंटेशन करना चालू कीजिए। सेक्शन 12 कहता है एक्सेस टू जस्टिस। तो कानून कहता है कि हमारे जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, अथॉरिटी है, कमीशन है, यहां पर आपको जाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सब
व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए कि जिसके वजह से आपको फ्री एक्सेस मिल सके, आपको राइट टू एक्सेस टू द कोर्ट। इसका मतलब क्या हो गया, तीन प्रकार के वहां पर परेशानी हो सकती है। एक, एक्चुअल वहां पर जाना मुश्किल हो सकता है। जैसे आज की अगर हम बात करें तो कोरोना का जो समय है, इसके वजह से मैं बंबई में रहता हूं, मगर यहां से उच्च न्यायालय जो भी है, बंबई उच्च न्यायालय यहां से लगभग 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर जाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि 12 किलोमीटर के रास्ते में कम से कम तीन रेड जोन या कंटेनमेंट जोन है कि जो पास करके जाना मुश्किल है। तो इसकी वजह से सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे लोगों को राइट टू एक्सेस टू द कोर्ट कहते हैं तो कैसे करें? तो शायद ये ऑनलाइन के बारे में भी हो सकता है। तो किसी दिव्यांग व्यक्ति को अपनी जो भी पक्ष है वो न्यायालय के सामने रखना है तो वो कैसा रखे? इसलिए जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो व्यवस्था है उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो व्यक्ति है इनको ध्यान में रखने के बाद ही कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल हो सकता है या पुलिस हो सकती है, जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी हो सकती है, इन सब के पास जाने का आपका अधिकार जो भी है इसे इस कानून में लाया गया है। पहले ऐसा कानून में प्रावधान नहीं था, इसकी वजह से ये नया प्रावधान है। इसको हम जरा फुर्सत से जरा देख सकते हैं कि कैसे इसको अच्छा बना सके। पहला हो गया ये एक्सेस टू द कोर्ट, दूसरा हो गया कि फिजिकल एक्सेस के अलावा जो महंगाई हो चुकी है तो इसके वजह से लीगल एड जो स्कीम है तो लीगल एड स्कीम के द्वारा कम बिना जो भी उनका जिनका इनकम कम है या जिनकी जो भी जो इनकम है जो आय है वो जो भी लिमिट्स है उसके तहत अगर है तो उनको उनके लिए गवर्नमेंट फ्री वकील भी अरेंज करके दे सकते हैं। तो ये आ गया दूसरी इंतजाम के जिसके तहत एक्सेस टू द जस्टिस कहते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो वो व्यक्ति दिव्यांग होने की वजह से उसके लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज वकील का भी इंतजाम करती है। कई लोगों को ये जानकारी नहीं है, आप जिस कॉलेज जिस कोर्ट में जाएंगे वहां पर लोकल जो भी वहां पर लोकल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है उसके ऑफिस में आप जाइए, वहां पर आप दिव्यांग व्यक्ति होने का अगर आप जो भी आपका सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र है वो अगर आप पेश करेंगे तो आपके लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज वकील का भी इंतजाम कर सकती है। मगर कई लोग कहते हैं कि जो ऐसे फ्री ऑफ चार्ज जो वकील आते हैं उनकी जो भी क्वालिटी होती है उसके बारे में कुछ सवाल पैदा करते हैं। बात हो सकती है मगर इसके बारे में कम से कम पहले वकील तो मिल जाता है जिसके द्वारा आपका जो एक्सेस टू द जस्टिस है वो उसका रास्ता आहिस्ता आहिस्ता खुलता है। तो पहले आ गया कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो भी है वहां पर आप कैसे पहुंचे, दूसरा आ गया कि आपकी जो आय कम है आपके इनकम कम है इसकी वजह से फ्री लीगल एड आपको मिल सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई कि ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो भी है ये नया कानून ना ये 1987 में बनाया गया था उसके तहत अलग अलग स्कीम बनाने का भी प्रावधान है। ये अलग अलग स्कीम बनते हैं, इसके साथ में एक कानून कहता है कि कई डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन भी मिलने चाहिए, कई डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट ये आपको एक्सेसिबल फॉर्मेट में मिलने चाहिए। कई गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन है, अगर हम कहें कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन है वो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन आपको ऑनलाइन मिलने चाहिए क्योंकि आपका एक्सेस टू द जस्टिस है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो भी है तो डीओपीटी के जो भी ऑफिस मेमोरेंडम है वो मिलते हैं, मगर वो दो लैंग्वेज में होते हैं, वो होते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में होते हैं। मगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी में होते हैं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट के अंग्रेजी में भी होते हैं। तो इसलिए राइट टू एक्सेस का ये तीसरा पहलू आ गया, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस इसका तीसरा पहलू आ गया, वो ऐसा है कि आपको जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में मिलना चाहिए। अगर दिव्यांग व्यक्ति को तो उसको सुनाई देने की अगर व्यवस्था करनी है तो वो वैसे उस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। वो जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो शायद फ्यूचर में ब्रेल में भी आएगा। तो इसके बारे में अलग अलग नए प्रावधान बन रहे हैं, इसके बारे में हम ट्राई कर सकते हैं, नया एक्सपांड कर सकते हैं ये कानून सोचकर, इसके में और कुछ कर सकते हैं क्या ये भी देख सकते हैं।
कलम 13 कहते हैं कि लीगल कैपेसिटी हर दिव्यांग व्यक्ति को इस कानून में दी गई है। लीगल कैपेसिटी मीन्स क्या कहते हैं, कई दिव्यांग व्यक्तियों को प्रॉपर्टी परचेज करने का अधिकार नहीं है, ऐसे कुछ लोगों का समझना है, बल्कि ऐसा कानून कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, वो खुद प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं, मीन्स किसी पुरखों की जो जायदाद है वो भी उस व्यक्ति को मिल सकती है, या इसके अलावा वो मूवेबल इमूवेबल या जो भी आपके अलग से प्रॉपर्टीज है ये सब प्रॉपर्टीज वो परचेज कर सकते हैं, सब प्रॉपर्टी वो ले सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं होगा कि उनके लिए भी बैंकों का लोन मिलने का उनका अधिकार होता है, जबकि पूरा अपन अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र के अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में भी यहाँ पर दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग सा कमीशन बनाया गया है कि जिसके द्वारा लोन दिया जाता है, तो वैसा लोन हर राज्य में स्कीम बनती है। नैब इंडिया शायद कल एक एक्सरसाइज कर सकता है कि ऐसी पूरे भारत में कौन सी लोन स्कीम बन चुकी है ये आप देख सकते हैं, और ये देखने के बाद वो सब लोन जो स्कीम्स है वो सब का कंपाइलेशन करके एक ब्रेल में भी उसका एक किताब हम तैयार कर सकते हैं। ये कानून कहते हैं कि अदर फॉर्म ऑफ फिनेंशियल क्रेडिट जो भी है वो मिलना चाहिए। हमारे कई व्यक्तियों को पता है कि एटीएम कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो वो दिव्यांग व्यक्तियों में को नहीं मिलता, या उसमें से कई जो भी ऐसी फैसिलिटीज है वो दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नहीं मिलती। कानून का ये कलम 13 कहता है कि अदर फॉर्म ऑफ फिनेंशियल क्रेडिट, अदर फॉर्म ऑफ फिनेंशियल क्रेडिट मीन्स ये आ गया, ये क्रेडिट कार्ड का फॉर्म आ गया, डेबिट कार्ड का फॉर्म आ गया, जो अदर फॉर्म ऑफ फिनेंशियल क्रेडिट में आते हैं। तो चलो इसके बारे में आरबीआई के बारे में आरबीआई के पास जाकर हम अपनी पक्ष रख सकते हैं कि भाई हमें भी ये कानूनी अधिकार है, हमारे सभी जो दिव्यांग व्यक्ति भाई बहन है इन सबको क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, डेबिट कार्ड मिलना चाहिए। उनका कहना क्या होता है, वहां पर जो भी मशीन है क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का, वो वहां पर जो भी है वो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, वहां पर आपको किसी की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम ये भी कह सकते कि नहीं नहीं तो इसके वजह से आपका जो एटीएम सेंटर है या जो भी आपका जो एटीएम मशीन है वो मशीन ये डिसेबल फ्रेंडली बनाइए, ये हमारा अधिकार है। मुझे लगता है इसमें भी ज्यादा सोचने की जरूरत है क्योंकि ये हमारे सभी व्यक्तियों का अधिकार है। चलो यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति आज अपने जो भी आर्थिक व्यवहार है वो आर्थिक व्यवहार कार्ड के द्वारा करता है, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो इसके द्वारा वो कर सकता है, दृष्टिबाधित व्यक्ति भी कर सकता है, मगर ये सब करने के लिए उसके पास जो भी टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले जो भी एटीएम सेंटर्स है वो हो सकते हैं, हमारे यहाँ अभी तक नहीं बने हैं। तो आरबीआई को हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये अगर आ गया तो ये इंपॉर्टेंट बातें अगर हमें मिल गई तो हमारी जो जीना भी है वो और भी बेहतर हो सकता है। नैप के द्वारा एक चलाए गए जो मैटर है उसके बारे में मुझे याद है कि चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट मंजुला चेल्लूर इनके सामने हम प्रकरण हमारा अपना चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि इतने सारे पैसे जो भी आप करेंसी में लेके चलते हैं वो करेंसी में लेकर क्यों चलते हैं, जरूरत नहीं है आपको ऐसे करने की। उनको बाद में बताना पड़ा कि मैडम क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड डिसेबल्ड व्यक्तियों को या दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आज देते नहीं है, आमतौर पर वो मिलता नहीं है, इसकी वजह से परेशानी बढ़ती है और वो कैश जो भी है या जो भी चेंज है वो चेंज लेकर जाना पड़ता है। चलो वापस आते हैं, गार्डियनशिप की प्रोविजन बनाई गई है कलम 14 में, जो भी इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो मैं लिखने के लिए अपील करूंगा। सेक्शन 14 कहता है गार्डियनशिप, हमें याद होगा नेशनल ट्रस्ट एक्ट आज भी है जिसमें गार्डियनशिप का प्रावधान है, मगर यहाँ पर जो भी गार्डियनशिप का प्रावधान है वो गार्डियनशिप का प्रावधान इसमें थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा डिटेल में फिलहाल तो जाने की जरूरत नहीं है, मगर ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति होते कि जिनके लिए
मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो है उनके लिए गार्डियन, उनके जो भी पालक जो भी है, उनके जो भी गार्डियन है, उनको अपॉइंटमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि कई दिव्यांग व्यक्ति ऐसे है कि जो खुद का डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों के बारे में गार्डियनशिप का इंतजाम कर सकता है। इसके अलावा कलम 15 कहता है कि देयर मे बी वन और मोर अथॉरिटीज जो सोशल अवेयरनेस क्रिएट करे टू सपोर्ट द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो हमारे व्यक्तियों के जो भी हमारे सब दोस्त है उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करे, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करे, इसलिए कानून कहता है कि गवर्नमेंट कुछ करे। मगर ऐसा आज तक तो नहीं दिखाई दिया, नया कानून आ गया उसको 3 साल से ज्यादा हो गए, 3.5 साल लगभग होने लगे हैं, मगर ये पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने का कुछ बाद में कुछ बात बनी नहीं। तो शायद डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पब्लिसिटी के जो भी राज्य के जो भी अधिकारी है उनके पास भी हम अपनी रिप्रेजेंटेशन रख सकते कि सर इसको ज्यादा से ज्यादा जरा पब्लिसिटी देनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, जिसके द्वारा ये कानून ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा सकता है। ये आ गया नया चैप्टर जो था, नया चैप्टर में एक चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर 2 जो था नए जो भी आपने अधिकार है जिसे हम कहते हैं राइट्स एंड एंटाइटलमेंट, जो हमारा अधिकार और जो हमें मिलने लायक है, इसके बारे में ये नया अधिकार इस कानून में लिखा गया था। और जैसा मैंने पहले कहा था कि आज के जो भी लेक्चर है उसमें एजुकेशन भी मैं थोड़ा सा कवर करूंगा। एजुकेशन आता है चैप्टर 3 में और सेक्शन 16 से सेक्शन 18, सो सिर्फ 3 सेक्शन है। सो 3 सेक्शन कवर करने के बाद उसके बाद आज का ये भी सत्र है वो मैं खत्म करूंगा। सेक्शन 16 कहता है कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ड्यूटीज उसमें लिखी गई है। क्या ड्यूटीज है, कौन सी इंस्टीट्यूशन इसमें कवर होती है? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि इसको इंप्लीमेंट करना है। इसके साथ कहता है कि जिस इंस्टीट्यूशन को फंडिंग मिलता है या गवर्नमेंट के द्वारा उसे रिकॉग्निशन मिलता है, उन सबको इंक्लूसिव एजुकेशन का इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उस पर है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? आपको याद होगा कि पहले कुछ स्पेशल टीचर्स हुआ करते थे, स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स हुआ करते थे, मगर अभी गवर्नमेंट कहता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस इंक्लूसिव एजुकेशन में, जहां आम बच्चे एजुकेशन लेंगे उसी स्कूल में हमारे जो भी दिव्यांग व्यक्ति है वो बच्चे वहां पर शामिल हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। तो उनको एडमिट करना चाहिए, उनको दाखिला देना चाहिए, उनको स्कूल में लेना चाहिए, उनको साथ स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एक्टिविटी करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, उनकी जो बिल्डिंग है कैंपस है या बाकी फैसिलिटी जो भी है वहां पर उनको एक्सेस मिले, ये भी इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए। कई एनवायरमेंट जो उनका जहां पर स्कूल का एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि जिसके द्वारा हर दिव्यांग व्यक्ति को वहां पर एक्सेस मिले, जो ब्लाइंड है डीफ एंड डम है इनके बारे में भी उनके लिए कुछ नया प्रावधान किया जाए। तो एक शायद इसमें से बात बन सकती है कि एक हम सर्वे कर सकते हैं कि जिस सर्वे के तहत ये कानून में जो ड्यूटी है वो ड्यूटी हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने पूरी की या नहीं की, इसका हम सैंपल सर्वे कर सकते हैं। समझो हमने महाराष्ट्र में सैंपल सर्वे किया और पता चल गया कि 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी है उसमें से सिर्फ 10 इंस्टीट्यूशन के पास ही ऐसा कुछ एक्सेस है, तो उसके बेसिस पर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उनके पास जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि अभी सेक्शन 16 में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो ड्यूटी है उसके लिए आप कुछ करें, जिसकी वजह से हमारे सभी जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक्सेस मिल सकेगा। सेक्शन 17 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 17 कहता है टू प्रमोट एंड फैसिलिटीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, वही जो भी प्रश्न था उसके बारे में और डिटेल में है, जैसा स्टाफ जो भी है टीचिंग नॉन टीचिंग इनको ट्रेनिंग देना चाहिए। इसमें कहता है कि नंबर ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनानी चाहिए। आज जो भी जो टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात अगर हम करें तो आज के दिन में अभी पता चलेगा कि बेसिकली
कई जगह पर जो भी बीएड और डीएड का जो भी कोर्स है इसमें ज्यादा कुछ सीट्स अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से स्पेशल टीचर बनना ये जरा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में एनसीडी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन जो दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर है उनके साथ हम शायद पत्र व्यवहार कर सकते हैं, उनके साथ रिप्रेजेंटेशन पर बात कर सकते हैं कि भाई ये जो भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स डिसेबल्ड लोगों के बारे में जो भी ट्रेनिंग देने वाले ज्यादा लोगों की जरूरत है इसके बारे में हम डिमांड सप्लाई जो भी रेशियो है वो देख सकते हैं। वो कानून कहता है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए स्कॉलरशिप बनानी चाहिए, ये भी एक नया प्रोविजन इसमें बनाया गया। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होना चाहिए 18 साल तक फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनको बुक्स फ्री ऑफ चार्ज मिलनी चाहिए, लर्निंग मटेरियल फ्री ऑफ चार्ज मिलना चाहिए, असिस्टेड डिवाइसेस ये भी फ्री ऑफ चार्ज मिलना चाहिए, 18 उम्र तक ये सब मिलना चाहिए, ये अलग अलग ये कलम 17 में ये सब प्रावधान हमें दिखाई देगा। बात बची कलम 18 की, ये आज का आखिरी सेक्शन होगा जो सेक्शन कहता है एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन के बारे में पहले पुराने कानून में भी थोड़ा बहुत लिखा था मगर इतनी सहजता से वो नहीं था। यहां पर क्या कहा गया है, ये नया कानून कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो भी व्याख्या है वो हम देख चुके हैं, लोकल अथॉरिटीज करे, क्या करना चाहिए प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे, एंश्योर करे कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी इन एडल्ट एजुकेशन। तो एडल्ट एजुकेशन और कंटिन्यूअस एजुकेशन ये दो बातें होती है। कई व्यक्ति हमारे ऐसे दिव्यांग व्यक्ति है कि जिनकी उम्र बढ़ चुकी है इसकी वजह से उनके लिए ये जो भी कंटिन्यूअस एजुकेशन है इसमें उनको लाना पड़ेगा, इनको जो भी प्रौढ़ शिक्षा है उसमें उनको लाना पड़ेगा, एडल्ट एजुकेशन में लाना पड़ेगा। इसकी वजह से इसके बारे में हम क्या सकते हैं क्या कर सकते हैं, तो इनका एक डायरेक्टोरेट अलग सा होता है एडल्ट एजुकेशन का। तो एडल्ट एजुकेशन के डायरेक्टोरेट के पास जाकर हम अर्जी लगा सकते हैं कि हमारे एरिया में कुछ नया एडल्ट एजुकेशन का स्कीम करें। हम चाहे तो आरटीआई के द्वारा भी पूछ सकते हैं कि किसी राज्य में एडल्ट एजुकेशन में कितने पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, पता चलेगा ऐसा नहीं है तो फिर उसके बाद हम अर्जी लगाएंगे कि हर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को ऐसे बारे में डायरेक्शन दिया जाए, क्योंकि ऐसे कई दिव्यांग व्यक्ति है कि जिनको आज भी एडल्ट एजुकेशन की जरूरत है। कई हमारे दिव्यांग व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको आज भी दस्तखत करना नहीं आता उनको सिखाना पड़ेगा, उनको गिनना नहीं आता उनको सिखाना पड़ेगा। ये भी बातें ये सब बातें इस कानून के तहत है कि जिसको हम अभी कार्यान्वित कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोच सकते हैं। ये आज का हो गया आखिरी सेक्शन जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था। मैंने ये मेरे मन में एक सवाल है कि आज के दिन में अगर हम कोविड 19 के सिचुएशन में ऐसे हालात में अगर हम घर पे बैठे हैं तो कम से कम इस कानून को कैसा कार्यान्वित करें, कैसा चालू करें, कैसा उसको धक्का जोर से लगाए जिसकी वजह से ये कानून काम करना चालू करेगा, इसको सोचना चाहिए। ये कानून बनाने वाले जो होते हैं वो सब वो जो होते हैं वो लेजिस्लेटर्स होते हैं जिनको हम विधायक कहते हैं या सांसद कहते हैं, उन्होंने तो कानून बनाया मगर कानून कार्यान्वित करने के लिए सिंपल सी बात है, एक अर्जी करो, अर्जी आप सही जगह पे कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये जो भी कानून नाम का बड़ा सा जो हाथी है वो हलने लगता है, डुलने लगता है, आगे चलने लगता है, और उसको सही दिशा में अगर लेके जाना है तो हमें इस कानून के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अर्जी करना पड़ेगा, ध्यान में रखते हुए हमारे आरटीआई के एप्लीकेशन जाने चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेशन जाने चाहिए, हमारा पीआईएल बनना चाहिए। इसमें से कई बातें ऐसी कि जो गवर्नमेंट के पास बार बार हमें जाना पड़ेगा, फिर वो चाहे तो अलग अलग जो भी कमिटीज है उसके द्वारा बन सकता है, अलग अलग जो भी एमपीज है उनके रिप्रेजेंटेशन देना हो सकता है, या अलग अलग जो भी अथॉरिटीज है उनके पास बार बार जाकर ये बातें काम कर सकते हैं। ये अलग अलग पहलू है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मगर जहां तक आज का जो भी आखिरी पॉइंट है वो ऐसा है कि आज के कोरोना के इस माहौल में हम घर पर सीमित हो चुके हैं, घर पर बैठे हुए हैं, तो इस कानून को
समझना चाहिए, समझने के साथ डिस्कस करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने के बाद जड़ से अपनी जो भी अगली एक्शन है वो चालू करना चाहिए, जैसे एप्लीकेशन फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे कुछ ड्राइव, जैसे कुछ सर्च, कुछ सर्वे, कुछ रिप्रेजेंटेशन, ये सब करना चाहिए। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक लेक्चर सीरीज नैब इंडिया के द्वारा बनाई गई थी, इसमें मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ एडवोकेट पल्लवी कदम मैडम, उन्होंने फोन किया था और मुझे कहा था कि आपको इस फंक्शन में तो आना पड़ेगा। आज एक लगभग 18 सेक्शन तक हम आ चुके हैं, कल और परसों भी इसी समय 2 बजे आपके साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा, 1 घंटा आपके साथ बात करूंगा और कुछ सवाल है तो उसके भी जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। आज एक विनोद यादव है, उन्होंने लिखा है सेक्शन 41B क्लॉज क्या है ये बताना चाहिए, मगर वो आज के सेक्शन में, आज का जो है उसमें नहीं आया था क्योंकि हम सिर्फ सेक्शन 18 तक आ चुके हैं, तो इसकी वजह से उसको शायद हम कल कवर सकते हैं, कल कवर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज हमने 18 सेक्शंस आरपीडी एक्ट के कवर किए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी सेक्शंस थे। जैसे कि उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट जो अभी हम भुगत ही रहे हैं COVID-19 की वजह से, और हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, इसीलिए अचानक से लॉकडाउन करने की वजह से हम जगह जगह पे स्टैंडर्ड हो गए, वो इवन साइटेड लोगों के लिए भी वही परिस्थिति है, ब्लाइंड के लिए भी वही परिस्थिति है। और इसमें ऐसा हमने एक शुरू में, मैं सर को बताना चाहूंगी और सभी को बताना चाहूंगी कि शुरू में जब लॉकडाउन अनाउंस करने के बाद ऐसा भी हुआ कि लोगों के फोन आने लगे, एस्पेशली ब्लाइंड, कि उनको असिस्टेंस कोई दे नहीं रहे थे और उनको नॉर्मली हम जानते हैं कि उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है क्रॉसिंग करने के लिए, तो हमारा क्या। तो हमने तुरंत होम मिनिस्टर को लिखा इसमें और उनसे कहा कि आप विजुअली इम्पेयर्ड जो एम्प्लॉयज है या स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को तो हमने घर भेज दिया लेकिन एम्प्लॉयज का क्या करें। तो एम्प्लॉयज को एग्जेम्पशन देने के लिए पत्र लिखा था और वो बहुत एडवोकेसी के वजह से वो अभी एग्जेम्पशन हुआ है वो। तो दोस्तों आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी वरुण जिगर सर का कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस पर कवर किए और जो उन्होंने सजेशंस दिए वो जरूर हम आगे लेकर जाएंगे और उनकी भी मदद हमें लगेंगी इसके लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी पार्टिसिपेंट से कि अगर उनके कुछ प्रश्न है तो आप पब्लिक चैट पर डालिए, हम अगले 10 मिनट में ये कवर कर लेंगे। विनोद यादव के प्रश्न आपने ऑलरेडी उत्तर दिए हुए हैं और उन्होंने एक कहा है, विनोद यादव, नाइस स्पीच रिगार्डिंग पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 सर, नैब यूनिट महाराष्ट्र, थैंक यू सर। रीटा रेगो, थैंक यू फ्रॉम नैब, मुझे प्रश्न चाहिए, ग्रेट टू नो अबाउट दिस एक्ट। उज्ज्वला भानुशाली, मैं कुछ कह सकता हूँ मैडम जी? यस सर, हाँ। सवाल अभी तो चालू हो रहे हैं, शायद उनके मन में आने था, तो आप ये भी कह सकती है कि अगर चाहे तो आप सवाल भेज दीजिए नैप के पास, और अगर ऐसे सवाल आ गए तो कल के सेशन में आप जरूर उसको उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छा रहेगा जब हम ये अभी आज हम 18 सेक्शंस कवर कर चुके हैं और फिर उनके मन में बिल्कुल घर जाने के बाद उनके पास सवाल होंगे ही, उसके ऊपर विचार विमंथन करेंगे वो। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का, और महत्वपूर्ण धन्यवाद मुझे इनका देना है कि किश्ताब लिंक, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करके दिया। मैं वही सोच रही थी, बहुत ऑनलाइन हम लेक्चर्स अटेंड कर लेकिन बिना डिस्टर्बेंस के, और हमारे ब्लाइंड साथियों के लिए जो एक्सेसिबल हो वो हम ढूंढ रहे थे और हमें वी केम अक्रॉस किश्ताब लिंक और उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध करके दिया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। रोहन और राहुल, आई थिंक राहुल यू कैन हियर, थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी।
थैंक यू वेरी मच। क्या मैं थोड़ा और कुछ कह सकता हूँ मैडम? आज की जो भी पार्टिसिपेंट की संख्या है वो देखने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये प्रोग्राम कई लोगों के लिए जरूरी है, कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं आपके द्वारा एक अपील करूंगा कि कल और परसों जो भी सेशंस है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये लिंक पहुंचा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम का जो भी आनंद है वो ले सकेंगे। थैंक यू। Thank you once again, Varunjikar sir and all the participants, and Singh sir, Satyakumar Singh sir, Vimal ji, judne ke liye bahut bahut dhanyawad, Atlekar ji, bahut bahut dhanyawad. Thank you all the participants. We will meet tomorrow at 2 p.m. Thank you.